वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज के इस वीडियो में हम लोग मीन के मीन्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं क्लास टेंथ में उसको हम लोग यहां पे आज डिस्कस करेंगे। मैंने पहले वाले पार्ट में आपको मीन कैसे निकालते हैं, क्या मीन होता है और मीन को निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप लोग उसको जरूर देखिए हमारे चैनल पर विजिट करके, ठीक है। और आज हम लोग बस ये देखेंगे कि जैसे 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो क्या हो सकते हैं क्वेश्चन और उसको कैसे डील करना है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला चीज़ तो अनग्रुपॉइड डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रुपॉइड डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, तीन मेथड मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद जो आता है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को कैसे निकालते हैं, एक फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालते हैं अगर मिसिंग दिया हुआ है, ठीक है। अगर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग दिया हुआ है तो उसको कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग इसको लाइक जरूर कर दीजिए और एक कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा एक कमेंट थैंक्स का जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मतलब 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहला किस तरह का आता है उसको देखते हैं। इफ द मीन ऑफ 3, 4 क्या क्या है, 3, 4, 6 एंड x का मीन जो है 5 है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मीन दे रखा है, ठीक है, x की वैल्यू पूछा है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू दिया रहेगा और मीन निकालना रहेगा। तो तरीका वही होता है, ये अनग्रुपॉइड डाटा है, ठीक है, ये सारे डेटा ऐसे ही हैं, ग्रुप में नहीं है, ठीक है। तो इसका कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए साधा सिंपल सा फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है, ठीक है, पहली वीडियो में। इन द सेंस अगर इसको हम लोग एक्स बार से डिवाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अब सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है, x1, x2, x3 इस तरह से, चाहे जितने नंबर दिए गए हों और टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर n है तो ये तो फार्मूला हो गया। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितना भी डेटा दिया हुआ है उसको आप ऐड करिए और डिवाइड करिए टोटल नंबर ऑफ कितने डेटा दिए गए हैं उससे, ठीक है। तो मैंने जैसे मान लीजिए ए वैल्यू दिया है 3 + 4 + 6 + x, ये दिया गया है। अब इन सब में देखिए कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। टोटल सम ऑफ ऑल दी गिवन ऑब्जर्वेशन ये हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4 ऑब्जर्वेशन। तो मीन कितना दिया है 5, तो मीन के जगह पे यहाँ पे रख लेंगे 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 × 4 = इन सबको ऐड कर लीजिए, 6, 4, 10, 3, 13 + x, ठीक है, ये हो गया 20, 13 + x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, इधर प्लस का 13 है, इधर आ जाएगा -13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो 7 इज़ द करेक्ट आंसर, तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आपको मीन निकालना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर x की वैल्यू दिया होता, मतलब क्वेश्चन ऐसा होता 3, 4, 6 एंड 7, x की वैल्यू 7 है ना, इसका बोलता मीन बताइए, तो आप कैसे करते, इन सब का सम, यानी मीन इक्वल टू सम 6 + 7 अपॉन, देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे लिख लेंगे, इन सब को ऐड करेंगे, 6 × 4 = 10, 3 × 13 = 20, यानी 20/4, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी अगर आपको सारे नंबर्स दिए गए हों, ठीक है, सारे नंबर्स दिए गए हों तो आप मीन निकाल सकते हैं। अगर मीन दिया गया हो तो कोई नंबर अगर मिसिंग हो तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ठीक है। अब उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, पूरी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन में क्या क्या करेगा, ठीक है। इसको अब जैसे 0 to 10 लिखा हुआ है, 0 to 10, अब इसको आप क्या बोल सकते हैं, अगर आप 0 को लेकर के पढ़ेंगे तो आप इसको बोलेंगे मोर देन टेन बोलेंगे ना, तो मोर देन 10 भी लिखा रहेगा तो भी आप 0 से 10 समझिए, मतलब सॉरी मोर देन 0, इसको क्या बोलेंगे, मोर देन 0, यानी 0 से ज़्यादा, मोर देन 0 भी बोला जा सकता है, या अगर 10 को लेके बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, लेस देन 10, ठीक है, यानी 10 से कम। तो दोनों वर्ड बोल सकता है, मोर देन 10, मोर देन 0 भी बोल सकता है और लेस देन 10 भी बोल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास इंटरवल आपका यहीं होगा,
ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से समझिए, जैसे ही आपका क्लास इंटरवल आता है तो मैं यहाँ पे कौन से मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, शॉर्टकट मेथड का। आपके पास तीन मेथड है, मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट मेथड से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, शॉर्टकट मेथड में सीधे सीधे आपको सबसे पहले निकालना पड़ता है एक्स आई, है ना। एक्स आई क्या होता है, जो क्लास इंटरवल होता है उसका मिड पॉइंट होता है, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू, यही होता है एक्स आई, ठीक है। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू, ठीक है, ये एक्स आई होता है। तो अगर आप देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, तो जीरो प्लस टेन टेन, टेन को टू से डिवाइड करेंगे फाइव, इसी तरह से टेन प्लस ट्वेंटी थर्टी, थर्टी को टू से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा फिफ्टीन, तो मतलब दस दस का अंतर चल रहा है ना। तो पाँच में दस जोड़ा पंद्रह, पंद्रह में दस जोड़ा पच्चीस, पच्चीस में दस जोड़ा पैंतीस, पैंतीस में दस जोड़ा पैंतालीस, तो ये आपका पूरा मिल जाएगा, एक्स आई मिल गया, ठीक है। अब जैसे ही एक्स आई आता है, इसमें किसी एक को ए मान लेते हैं, तो बीच वाले को हम ए सपोज कर लेते हैं, ठीक है, किसी एक को क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे निकालते हैं डी आई, एक्स आई माइनस ए होता है फार्मूला, मतलब एक्स आई में से इसको माइनस करना है, तो एक्स आई माइनस ए, फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी, फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फाइव करेंगे तो माइनस टेन, ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव करेंगे तो जीरो, थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव टेन, फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव कितना हो जाएगा ट्वेंटी, ठीक है। और जैसे ही डी आई आता है, आपको निकाल लेना होता है एफ आई इंटू डी आई, तो ये रहा आपका एफ आई। एफ आई को डी आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 160, 12 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 10 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 11 का 10 में करेंगे 110, 9 का 20 में करेंगे तो 180, ठीक है, ये चीज़ आपको मिल गई। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई आपको निकाल लेना है, सबसे पहले इन सबको जोड़ लेना है। तो जैसे ही आप इसको जोड़ते हैं, आपका आंसर देखिए क्या मिलने वाला है, इन दोनों को जोड़िए पहले माइनस वाले को, तो माइनस 280 हो गया, ठीक है, प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 390 हो गया, सॉरी 290 हो गया, ठीक है, 290 हो गया, तो मतलब आपको कितना मिल गया 290 माइनस 280, टोटल कितना हो गया 10 आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई आपका कितना आ गया 10 आ गया। अब उसके बाद देखिए, अगर आप सिग्मा एफ आई निकालें, इन सबको जोड़ें तो 12 8 20 10 30 20 50 टोटल आ गया 50। बस जैसे ये डेटा आपका आ जाता है आपके सामने, तो आपको क्या करना होता है, बस यहाँ से आप फार्मूला निकाल लीजिए, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है। तो ए की वैल्यू रख लेते हैं कितना है, 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू हो गई 10, और सिग्मा एफ आई कितना हो गया 50, इसको इससे कट कर सकते हैं, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125, प्लस 1 करेंगे तो 126 अपॉन, या तो सीधे सीधे इसको डिवाइड मत करिए, ऐसे कर लीजिए 25 प्लस इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो भरेगा और 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25.2 आपका ए आ जाएगा मीन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको मीन ऐसे निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सी आई आपका दिया है क्लास इंटरवल, उसके बाद आपका एफ आई दिया है, फ्रिक्वेंसी दी गई है, ठीक है, उसके बाद एक्स बार का वैल्यू दिया गया है। अगर एक वेरिएबल होगा तो आपको एक वैल्यू गिवन रहेगा, या तो x बार की वैल्यू रहेगी, ठीक है, या तो n की वैल्यू गिवन रहेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल हमको p निकालना है ना, केवल एक वेरिएबल निकालना है, तो एक वैल्यू गिवन है, या तो x बार गिवन रहेगा या तो n गिवन रहेगा, ठीक है। बट जहाँ पे दो वैल्यू निकालनी होगी वहाँ पे दोनों गिवन रहेंगे तभी निकलेगा, तो यहाँ पे x बार दिया हुआ है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे, आप सीधे सी आई दिया हुआ है तो इसके जरिए आप एक्स आई निकाल लेंगे, एक्स आई मतलब इन दोनों का मिड, अभी मैंने बताया, तो ये पाँच हो जाएगा, पाँच पंद्रह पच्चीस पैंतीस और पैंतालीस, ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से किसी एक को ए सपोज करिए, तरीका वही लगाएंगे हम लोग, ठीक है, किसी को ए सपोज कर लिया तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यानी डी निकाल रहे हैं, तो पाँच माइनस पच्चीस करेंगे तो माइनस ट्वेंटी, पंद्रह माइनस पच्चीस करेंगे तो माइनस दस, जीरो, पच्चीस माइनस पच्चीस करने पे जीरो, फिर पैंतीस माइनस पच्चीस किया तो दस, पैंतालीस माइनस पच्चीस कर लिया तो ट्वेंटी, इतनी चीज़ आ जाती है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एफ आई इंटू डी आई निकालते हैं, ठीक है। अब एफ आई की वैल्यू फाइव है, डी आई माइनस ट्वेंटी है, मल्टीप्लाई किया तो हंड्रेड आ गया, एटीन माइनस टेन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन एट्टी,
15 का इसमें करेंगे तो 0, p का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10p आ जाएगा, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है, सिग्मा एफ आई डी आई आपको निकालने आना होता है। तो उसके लिए आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 280, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10p प्लस 120, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को एक जगह पे लिख लीजिए, माइनस 280 प्लस 10p प्लस 120। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10p प्लस माइनस, देखिए माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, 0 में से 0, 8 में से 2 गया 6, ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, तो आपका ये आ गया सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ता है, सिग्मा एफ आई भी आपको निकालना पड़ता है। तो देखें 15 6 21, 15 5 20, 20 40 4 44, 44 प्लस पी, पी भी तो है इसके साथ, तो ये पूरा सिग्मा एफ आई आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आप फार्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। यहाँ पे देखें एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 25 गिवेन है, ए की वैल्यू कितनी है, 25 ही माना है मैंने, सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो गया, 10p माइनस 160, डिवाइड में कितना आ रहा है एफ आई, 44 प्लस पी। अब ए वाला 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 25 इक्वल टू 10p माइनस 160 अपॉन 44 प्लस पी, इसमें माइनस कर लिया तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10p माइनस 160 अपॉन 44 प्लस पी। अब इस पूरे का इधर डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ए देखिए 0 हो गया, कितना आ गया 10p माइनस 160, 160 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 10p, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 10, 0 0 कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई p की वैल्यू आ गई 16। तो एक वेरिएबल रहेगा तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्लियर है। देखें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पे एक्स बार दिया गया है, एक्स बार गिवेन है, ठीक है, उसके बाद क्लास इंटरवल दिया गया है, एफ आई दिया गया है, और एक चीज़ ध्यान दीजिए सिग्मा एफ आई भी गिवेन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दो वेरिएबल निकालना है, एफ वन का वैल्यू निकालना है और एफ टू का वैल्यू निकालना है, तो दो वैल्यू निकालना था इसीलिए दो चीज़ें आपकी यहाँ पे गिवेन है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, प्रोसेस वही है, सब कुछ वही करेंगे, ठीक है। सी आई दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्स आई निकाल लेते हैं, यानी मिड वैल्यूज को निकालते हैं। तो 0 टू 20 के बीच में कितना आने वाला है, 10, 0 प्लस 20 आएगा कितना 20, और 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 बिल्कुल आएगा। अब उसके बाद देखें 20 का डिफरेंस है तो ऐड करते जाइए, तो 20 ऐड करेंगे 30, 50, 70 और 90, आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी ये 90 ही आएगा, क्योंकि 80 प्लस 100 180 अपॉन 2 करेंगे तो 90, ठीक है। अब इतनी चीज़ मिल गई, जैसे ही एक्स आई मिलता है इसी में किसी को ए मान लेते हैं, किसी को ए सपोज कर लिया। अब 50 को ए इसलिए माना क्योंकि यहाँ भी एक्स बार दिया है, 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आराम से आ जाएगा, तो इसको मैंने ए मान लिया, ठीक है। अब देखिए डी आई इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है, तो एक्स आई माइनस ए करेंगे यानी 10 माइनस 50 करेंगे तो माइनस 40, 30 माइनस 50 करेंगे तो माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 प्लस का 20, 90 माइनस 50 40 आ गया। अब उसके बाद आपको निकालना होता है एफ आई इंटू डी आई, चलिए इसको निकाल लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 680, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 एफ वन, इसको ध्यान देंगे माइनस 20 एफ वन हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 एफ टू हो जाएगा, एफ टू 19 का 4 में करेंगे तो 1966 यानी 760 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लेना है, तो सिग्मा एफ आई डी आई आप कैसे निकालेंगे, मतलब देखिए माइनस 680 760 है ना, तो 760 में से 680 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 680 20 जोड़ेंगे तो 700, 60 और जोड़ेंगे तो 760, यानी 20 उधर 60 इधर, यानी 80 आएगा प्लस का, 80 माइनस 20 एफ वन और प्लस 20 एफ टू, इन दोनों को कट नहीं करेंगे क्योंकि एक में एफ वन है और दूसरे में क्या है, एफ टू है, ठीक है। तो ए वैल्यू हमें मिल गई। अब उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एक्स बार की वैल्यू रख लेंगे 50, ए की वैल्यू है 50 प्लस ए वैल्यू निकाला है अभी माइनस 20 एफ वन प्लस 20 एफ टू
अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 120 गिवेन है, तो 120 ठीक है। ये इधर आएगा, माइनस होगा 50 में से 50 माइनस होगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू आ जाएगा 20F1 प्लस 20F2 और अपॉन में 120। 120 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जीरो हो जाता है। तो ये हो गया 80 माइनस 20F1 प्लस 20F2, ठीक है। अब यहाँ से देखें, सब में से 20 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4 बी चौके 80 और ये हो गया F1 प्लस F2, ठीक है। अब ये 20 इधर डिवाइड में आएगा, तो 0 अपॉन 20 कितना होगा, 0 ही हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू कितना हो गया, 4 माइनस F1 प्लस F2, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा और सही कर लीजिए, तो F1 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, F2 इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 4, यानी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 बनी है, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो एक इक्वेशन और कहाँ से बनने वाली है, यहाँ से। अब इसको आप जब ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई आपको मिलेगा, गिवन तो है बट ऐड करने पे भी कुछ मिलेगा, तो देखिए जब इसको ऐड करिए, 7, 2, 9, 9, 18 का 8 कैरी आ गया 1 और 1, 3, 4, 1, 5, 1, 6 68 प्लस F1 प्लस F2 ये चीज़ मिलेगा सिग्मा एफ आई की वैल्यू, और वो वैल्यू 120 के इक्वल दी गई है, तो इक्वल टू 120 लिख सकते हैं, ठीक है। तो F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा, 120 माइनस 68। अब माइनस कर लीजिए इसमें, 10 में से 8 चला गया 2 और 11 में से 6 चला गया 5, तो यानी F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 52 आ गई, और F1 माइनस F2 की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है, तो लिख लीजिए F1 प्लस F2 इक्वल टू 52। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो F2 से F2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2F1 हो जाएगा इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। तो 2 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो F1 इक्वल टू मिल जाएगा 56 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 38, ठीक है। तो आपका F1 तो आ चुका है, F2 ऐसे निकाल लीजिए, F1 माइनस F2 इक्वल टू कितना था, 4 था, तो F1 की जगह पे रख लेते हैं 38 माइनस F2 इक्वल टू 4, तो F2 इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 माइनस इधर आएगा 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इस तरह से आप F1 F2 दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये थी, शॉर्टकट मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अनग्रुपाइड डाटा में टोटल मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ग्रुपवाइज डाटा में हम लोग शॉर्टकट मेथड का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, प्रोसेस पूरा एक ही है। उसके बाद एक वेरिएबल अगर निकालना होगा तो एक चीज़ गिवन रहेगी, या तो मीन गिवन रहेगी या तो टोटल नंबर ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन का सम गिवन रहेगा, ठीक है, टोटल सम गिवन रहेगा। और दूसरी चीज़, अगर दो वेरिएबल निकालना होगा तो मीन भी गिवन रहेगा और सिग्मा। तो अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो इन चारों में से कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है, 100% है, क्योंकि इसके बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं आपको मोड कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूंगा, मोड होता क्या है वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा, और एक दो क्वेश्चन करा दूंगा वो भी कवर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट पार्ट में मीडियम की बात करेंगे, और उसके नेक्स्ट पार्ट में मोर देन ओगिव और लेस देन ओगिव को बहुत क्लियरली तरीके से बहुत शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं। रिक्वेस्ट आपसे बस यही है कि एक थैंक्स का कमेंट कर दीजिए। चलिए ठीक है, वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।